नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार शिमला मिर्ची की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। जितनी जल्दी ये बनती है उतनी ये टेस्टी भी लगती है। ये रेसिपी बिल्कुल नए तरीके की है। इस तरीके से आप शिमला मिर्ची बनाएंगे तो दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने शिमला मिर्ची ले ली है। ये हमने आधा किलो शिमला मिर्ची ली है, बिल्कुल फ्रेश शिमला मिर्ची ली है, क्योंकि जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। सबसे पहले इसे आप वॉश कर लें। अब इसको काट लेते हैं। पहले इसके हम दो भाग करेंगे और इसके बीजों को निकाल देंगे। इसके डंठल को और बीज को निकाल दें। ये हमने निकाल दिया। अब इसके दो भाग और करेंगे और इसको बड़े बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे। इस ढंग से ही सारी शिमला मिर्ची को हमने काट कर तैयार करना है, बड़े बड़े टुकड़ों में ही, ज्यादा बारीक नहीं काटनी। हमने सारी शिमला मिर्ची को काट कर तैयार कर लिया है, हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन करेंगे। मैंने लिया था 4 चम्मच बेसन, वो डाल रही हूँ। बेसन को हमने भून लेना है और बिना ऑयल के, बिना घी के, जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आने लग जाए तब तक हम बेसन भूनेंगे। इससे क्या होगा, जो शिमला मिर्ची है उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। ये हो गया है, इसे करने में हमारे 1 से 2 मिनट लगे हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिर से वही वाली कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, उसे गर्म कर लें। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा, 1/4 टीस्पून डालेंगे हींग, और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 7 से 8 कड़ी पत्ते। इसे थोड़ा सा चला देंगे, इन सब चीजों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। मैंने ली थी 2 प्याज मीडियम साइज की, उसको कद्दूकस कर लिया था, वो डाल रही हूं मैं। आप चाहें तो मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं। प्याज को हमने तेज गैस पर चलाते हुए ही भून लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारी हो गई है। मैंने ली थी 3 हरी मिर्चें, उनको बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। हरी मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से पहले इन्हें मिक्स कर दें। ये मिक्स हो गया। अब हम गैस को स्लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 टीस्पून डाल रही हूं मैं हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूं। पहले इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब गैस को कर देंगे स्लो। मैंने ले ली थी 1/2 कटोरी दही। ये नॉर्मल दही है, ज्यादा खट्टा नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा खट्टा दही हो आप क्वांटिटी कम कर लें। और दही को हमने पका लेना है ऐसे जल्दी जल्दी चलाते हुए ही। गैस को हमने मीडियम रखा था, दही अच्छे से पक गया है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे शिमला मिर्ची और इसे इस मसाले में अच्छे से मिक्स करते हुए इसी ढंग से 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। हमने मीडियम गैस पे इसे पका लिया है 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें बेसन भी ऐड कर देंगे।
इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ये बेसन भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें एक कटोरी भरकर पानी डाल देंगे और गैस को तेज कर लेंगे और अच्छे से इस पानी को मिक्स करेंगे इसमें। ये मिक्स हो गया। अब हम गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो और इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल कम गैस पर। ये 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले इसे हम अच्छे से चला देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है। हमने ज्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसे भी मिक्स कर दें। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इस पे डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये शिमला मिर्ची दही और बेसन से बनकर बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।